हेलो व्यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश और मेन आंसर राइटिंग के लिए बेनिफिशियल है। मैं बहुत रेगुलर बेस पे वीडियो बना रहा हूँ, बट आपको भी रेगुलर होना होगा तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये एक परसिस्टेंट प्रैक्टिस है। जब तक आप रेगुलरली फॉलो नहीं करोगे तो आप वोकैबुलरी वर्ड्स को रिमेंबर नहीं कर पाओगे, तो फिर इंग्लिश बोलना बहुत ही टिपिकल चीज़ हो जाएगा। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, द यूपीएससी फोरम, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पर जाके सर्च करें द यूपीएससी फोरम, उसमें आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी सुबह 6 बजे के आसपास या 5:30 बजे के आसपास। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम फॉर एक्शन मतलब ये समय आ गया है, एक्शन लेना है, कार्य करना है। कंक्रीट एक्शन, कंक्रीट होता है मतलब कंक्रीट वैसे तो सीमेंट होता है, जैसे जो रेती रोड़ी होती है, बट यहाँ पे क्या है पक्का, मतलब कंक्रीट एक्शन मतलब मजबूत पक्का एक्शन होना चाहिए। मस्ट टेक सेंटर स्टेज मतलब वो सेंटर श्योर बनना, या मतलब ये होता है कि सेंटर स्टेज है कि बोलते हैं ना, ही इज ए साइना श्योर ऑफ, साइना श्योर ऑफ पार्टी, मतलब ये केंद्र बिंदु बन गया, साइना श्योर बोलते हैं। तो सेम ऐसे ही इसको सेंटर स्टेज मतलब ये जो फोकल पॉइंट बनना चाहिए, केंद्र बिंदु बनना चाहिए, इस पे डिस्कशन होना चाहिए इन क्लाइमेट मिटिगेशन। क्योंकि अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हुई थी मीटिंग अर्थ समिट, ये हुई थी 1992 में, ये हुई थी रियो में, रियो अर्थ समिट बोलते हैं। यहाँ पे 3 फ्रेमवर्क आए थे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती रहती है। अभी रिसेंटली जो बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलंबिया में एक काली जगह पे अभी COP16 हुई है, मतलब उसके 16 नंबर की हुई है। क्यों? क्योंकि ये 2-3 साल में एक बार होती है। बट रेगुलरली जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री की बात करते हैं, जो कि पेरिस हुआ था, COP25 हुई थी जो पेरिस में, COP25, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता रहता है। बट अभी जो है 29 नंबर की होने वाली है, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। तो यहाँ पे बात हुई है ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं ना, जो वो मिलेंगे अभी बाकू में। अब नेक्स्ट वीक भी, अगले सप्ताह, विल बी मतलब होगा, विल बी मतलब फ्यूचर में होगा, दैट द टाइम ऑफ ईयर मतलब उस साल का समय आ जाएगा, व्हेन कंट्रीज गेट इनटू, जब जब क्या होंगे कंट्रीज, बहुत सारे कंट्री मिलेंगे। गेट इनटू मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व होना, इनटू ए हडल, हडल होता है मतलब छोटा सा ग्रुप जो मीटिंग बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं, हडल बोलते हैं उसको। तो ये क्या गया है भाई, नेक्स्ट वीक विल बी द टाइम, ये होगा टाइम होगा ऑफ द ईयर, साल का वो टाइम होगा जब कंट्रीज इकट्ठे होंगे और एक ग्रुप में मतलब डिस्कशन करेंगे फॉर द एनुअल 2 वीक, जो साल में होती है, एनुअल मतलब साल में एक बार होती है, 2 वीक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, 2 सप्ताह होगी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग, क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। ये COP29 और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज की ये COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो भी मतलब मेंबर पार्टी रहते हैं वो मिलते हैं इन अजरबैजान, जो कि कैपिटल बाकू। ये आपका अजरबैजान देखो, आपको देखना होगा ये जो है कजाकिस्तान किर्गिस्तान वगैरह है, तो इसकी साइड में यही अजरबैजान जो है बाकू जिसकी कैपिटल है, और आर्मेनिया अजरबैजान ये वहाँ पे आसपास में कंट्री है। तो आपको मैप में जाके देखना है कैस्पियन सी वगैरह के पास है। तो ये कह रहे हैं टू फाइन ट्यून, ये फाइन ट्यून करेंगे, फाइन ट्यून होता है देखो बिल्कुल अच्छे से ट्यून, जैसे आपको देखा होगा ना कि पहले रेडियो को ट्यून करते थे भाई इतने चैनल पे लग गया, तो उसको फाइन मतलब माइनर एडजस्टमेंट, बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे ग्लोबल एक्शन। तो फाइन ट्यून करेंगे ग्लोबल जो एक्शन लिए जा रहे हैं ना, उन ह्यूमन कोज्ड, आदमी के द्वारा, आदमी जिसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, उसके बारे में फाइन ट्यून करेंगे एक्शन जो है, क्या काम अब आगे करना है। टू हैव एनी चांस एट कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम एक्सीडिंग 1.5 डिग्री ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो उन्होंने कहा कि कोई क्या कोई चांस है, टू हैव एनी चांस मतलब कोई ऐसा चांस है क्या, इस जो ग्लोबल लेवल पे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना 1.5 डिग्री जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से है, तो उसको कंट्रोल करने का कोई चांस है। प्री इंडस्ट्रियल जब मतलब 1760 70 70 के पास, जब मान लो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन चला था, तो मल्टीपल साइंटिफिक असेसमेंट होंगे, मल्टीपल मतलब बहुत सारे साइंटिफिक असेसमेंट, साइंटिफिक
वैज्ञानिक जो जांचना असेसमेंट होता है किस चीज की परफॉर्मेंस को जांचना, हैव सेड दैट ग्रीन हाउस गैस एमिशन मस्ट पीक बिफोर 2025 एट लीस्ट एट द लेटेस्ट एंड डिक्लाइन बाय 43 बाय 2030। मतलब सभी जो साइंटिफिक असेसमेंट हुए उन्होंने कहा कि एमिशन 2025 तक पीक पे जाना चाहिए, मतलब अगले साल तक, और फिर 2030 तक 43% घटना चाहिए, तभी ये 1.5 डिग्री टेम्परेचर का जो टारगेट है 2030 तक उसको मेंटेन किया जा सकता है कि इतना ही बढ़े ना बढ़े, बट ऑलरेडी हम 2 डिग्री पे पहुंच चुके हैं। हाउएवर समिंग अप मतलब क्या है, टोटल समराइज करें ना, इसका सार निकालें, जिस्ट निकालें, दैट ऑल द कलेक्टिव कमिटमेंट, जितने भी कलेक्टिव सभी ने वादे किए हैं, कमिटमेंट किए हैं बाई कंट्रीज, जितने भी कंट्री हैं, टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस एमिशन। तो ग्रीन हाउस जो गैस जो होती है भाई, जो यहाँ पे एटमोसफेयर में एक मतलब एक इफेक्ट डालते हैं जिससे कि वो गर्मी बनती है, उसे ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। एमिशन होता है कि छोड़ देना, तो वुड लीड टू ओनली 2.6 डिग्री डिक्रीज इन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2030। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो सबने जो कमिटमेंट किया ना उनको पूरा भी करते हैं, तो 2.6 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होगा, 2.6% डिक्रीज होगा, जो कि 43% डिक्रीज करना है 2030 तक कंपेयर टू 2019 लेवल। तो 2019 के लेवल का जो अभी मतलब गर्मी है या ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसका 2.6 डिग्री ही कम होगा, 2.6% ही कम होगा। एंड सेव फॉर 2020 द ईयर ऑफ मतलब सेव क्या है, उसी साल थोड़ा एक्सेप्शन रहा था कि जब कोविड-19 रहा था, पोल्यूशन नहीं होता, फैक्ट्री वगैरह बंद रह गई थी। एंड ग्लोबल एमिशन हैव ओनली इंक्रीज एवरी ईयर विद 53 बिलियन मीट्रिक टन एमिटेड इन 2023। मतलब हर साल 2020 को छोड़ के जब कोरोना रहा था, फैक्ट्री नहीं चली थी या व्हीकल नहीं चले थे, तो एमिशन कम रहा था। हालांकि पर ईयर जो है 53 बिलियन, मतलब 1 बिलियन क्या था, 1000 मिलियन, तो 1 बिलियन वैसे जिसे बोलते हैं ना कि भाई भारत की 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 100 करोड़ हो गए, तो ये 1 बिलियन 100 करोड़ होता है। तो ये 53 बिलियन मीट्रिक टन, मीट्रिक जैसे होता है एक एक जो क्विंटल होता है उसमें 1000 केजी होते हैं, 1000 केजी होते हैं, तो एक एक टन में क्या आता है, 10 क्विंटल होते हैं। तो ये मीट्रिक विदेश की मेजरमेंट की ये वो है, यूनिट है। तो सेम ऐसे 53 बिलियन मीट्रिक टन एमिटेड होता है 2023 में हुआ था। गिवन दैट मतलब देखते हुए मोस्ट रिच कंट्री, जो ज्यादा रिच कंट्री ना, आर लोथ टू मेक कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर लाइफस्टाइल एंड पुअर डेवलपिंग कंट्री एस्पायर टू बी रिच। तो इन्होंने कहा कि लोथ होता है कि घर ना करना। तो गिवन जो देखते हुए कि भाई जो रिच कंट्री ना वो घृणा करते हैं कॉम्प्रोमाइज मेक कॉम्प्रोमाइज, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, मतलब एडजस्ट नहीं करना चाहते अपने लाइफ स्टाइल में, या जो पुअर कंट्री है वो डेवलप कंट्री जो एस्पायर टू बीच वो मतलब आकांक्षा रखते हैं कि रिच होने की। द ओनली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एनविसाज, जो एनविसाज होता है परिकल्पना करना, कंसीव करना किसी चीज को, इज दैट डेवलपिंग कंट्री ग्रो रिच वाइल एस्क्यूइंग, एस्क्यूइंग होता है, एस्क्यू होता है त्याग देना, रिनाउंस कर देना, त्याग देना। तो इन्होंने कहा कि जब त्याग देंगे द प्रूवन फोसिल फ्यूल होता जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल लेड ट्रेजेक्ट्री, जो उसके द्वारा लीड की जाती है, ट्रेजेक्ट्री मतलब एक पाथ ऑफ प्रोग्रेस है, जब उसको त्याग देंगे ना तभी वो रिच हो पाएंगे। हाउएवर द कॉस्ट दैट इंटेल मतलब होता है जो इसका ये हकदार बना देता है, मतलब नेसेसरी हो जाता है, जिससे इतनी हालांकि इसकी कितनी कॉस्ट होगी ऑफ शिफ्टिंग टू द क्लीनर, जो क्लीनर बट लैंड इंटेंसिव, क्लीनर मतलब बिल्कुल साफ और लैंड इंटेंसिव, जिसको लिए ज्यादा जमीन चाहिए एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव और उसमें खर्चा भी ज्यादा लगेगा, रिन्यूएबल सोर्सेज, जहां से जो रिन्यूएबल सोर्सेज होता है कि जो सौर ऊर्जा ऐसी या विंड पावर ऐसे इस पे शिफ्ट करेंगे, तो लैंड चाहिए, पैसा चाहिए, ये है। रिमेन दी प्रोवर्बियल बोन, प्रोवर्बियल होता है कि जस्ट भाई टोकन है, जो मतलब बात की रहेगी कि कहावत की टाइप में रहेगी, प्रोवर्ब होता है कहावते। तो ये कह रहे रिमेन द प्रोवर्ब बोन ऑफ द कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन होता है कि विवाद की जड़ जो रहेगी, प्रोवर्बियल बातों में रहेगी। इन 2009 एट द क्लाइमेट समिट, 2009 में जो क्लाइमेट समिट हुई थी ना इन कोपेनहेगन, तो कोपेनहेगन में जो क्लाइमेट समिट हुई थी, डेवलप्ड कंट्रीज एग्रीड टू फंड डेवलपिंग कंट्री $100 बिलियन एनुअली बाय 2020। इन्होंने कहा था कि 2009 में कोपेनहेगन में एक हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो उस टाइम पे कहा गया था कि $100 बिलियन जो हर साल डेवलप कंट्री है ना वो देंगे पैसा डेवलपिंग कंट्री को अब बाय 2020 तक एज ए क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस मतलब जो क्लाइमेट में हमने गड़बड़ की है उसके लिए पैसा देंगे, टू एनेबल तो सख्ती देने के लिए इस ट्रांजेक्शन,
इस ट्रांजेक्शन को शक्ति देने के लिए कि भाई आप रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाओ, आपको 100 बिलियन डॉलर मिलेंगे डेवलप कंट्री की तरफ से, डेवलपिंग कंट्री को। ये 2009 में डिसाइड हुआ था। दो यद्यपि इट इज यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जो बोलते हैं संघ, दैट इज सपोज टू रेटिफाई, रेटिफाई होता है अमेंडमेंट करना, इफ किसी चीज को स्थापित करना मतलब उसको अप्रूव करना, इफ दिस फाइनेंस गोल, जो भी पैसे से रिलेटेड गोल्स है ना, हैव बीन मेट। तो यूनाइटेड नेशन को ये सपोज रेटिफाई करना था कि जैसे कानून बनाना था कि ये जो फाइनेंस गोल है ना वो मीट हो, वो दिए जाए। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ डेफिनेशन ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस, अभी डेफिनेशन ही नहीं अच्छे से डिसाइड हुई कि क्लाइमेट फाइनेंस की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो मान लो लोन ऑफ क्रेडिट मिलता है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा दे रही है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, किसी कंट्री को एज ए मतलब लोन दे रहे हैं, IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी दे रही है तो उसको भी काउंट किया जा रहा है। तो इसके लिए अभी डेफिनेशन क्लियर नहीं है, एंड डिलीज देर हो रही है। फाइनेंशियल क्रेडिटिंग सिस्टम जो पैसा डेवलप कंट्री को देने में, हैव लेड टू कंसिडरेबल एंगेस्ट, मतलब चिड़ हो गई है, एंगेस्ट मतलब चिड़, एक आपस में गुस्सा, अमंग डेवलपिंग कंट्री, दैट दीज गोल्स हैव बीन फार फ्रॉम मेट। तो ये बहुत ही दूर है ये जो टारगेट बताया उससे। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, रिक्वायर्स कंट्रीज डिसाइड टू ए न्यू कलेक्टिव क्वान्टिटिव गोल। तो न्यू कलेक्टिव, नए जो कलेक्टिव हैं, क्वान्टिटिव मतलब जिसको वैल्यू में मापा जा सकता है, बिफोर 2025 विद द 100 बिलियन डॉलर एज ए बेस वैल्यू। तो 100 बिलियन डॉलर को एज ए बेस वैल्यू माने, और कलेक्टिव मतलब क्वान्टिफाइड गोल हैं जो उनको टारगेट करें। दिस देन देर इज ऑल्सो क्विबल, क्विबल होता है थोड़ा बहुत झगड़ा होना किसी चीज पे, आर्गूमेंट होना। तो कह रहे कि देर इज, तो बहुत सारे वर्ड आए हैं, देखो एंगेस्ट आ गया, क्विबल आ गया, तो ये आपको याद रखने हैं, होल डे में यूज करना है कि भाई क्विबल क्यों कर रहे हो, आपको वर्नेकुलर लैंग्वेज में इंक्लूड करना, भाई किस बात पे क्विबल कर रहे हो, क्विबल मतलब झगड़ा होना। और कैसे कहते हैं कि मान लो मेरे फ्रेंड्स मुझसे एंगेस्ट हैं, चिड़े हुए हैं, तो ऐसे ही मतलब धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे। तो उन्होंने कहा कि फ्रॉम द डेवलप वर्ल्ड दैट द मेजर एमिटर, जो मेजर एमिटर हैं छोड़ने वाली ग्रीन हाउस गैस एमिशन से, चाइना इंडिया, जो है यूएस चाइना इंडिया, नंबर वन पे चाइना है, सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे इंडिया है, जो मीथेन वगैरह एमिशन होता है, विच आर लार्ज इकोनॉमिक्स, ये बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, मेजर पोल्यूटर, ये ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, मस्ट आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, इनको भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए कलेक्टिव क्वान्टिफाइड जो गोल है। इट इज वाइडली एक्सपेक्टेड दैट जो नेशनल न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल है विल बी ए मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन एट बाकू। तो बाकू में ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा डिस्कशन करने का। अनदर इश्यू, दूसरा ये मुद्दा ये है कि ऑफ इम्पोर्ट इन कार्बन मार्केट। तो कार्बन मार्केट आपने पता सुना होगा कि कार्बन क्रेडिट सिस्टम है, जो ज्यादा मान लो जिसने कार्बन एमिशन कर दिया उसको पैसे देने होंगे, और कार्बन क्रेडिट जो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं उनसे क्रेडिट खरीदना होगा। तो सेम कह रहे हैं कि दूसरा इशू है कि इम्पोर्ट इज कार्बन, जो इम्पोर्ट करते हैं ना कार्बन मार्केट्स, दैट हैव लॉन्ग बीन टाउटेड, जिसको मतलब दिखाया गया, प्रिटेंड किया गया है एज द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। जो पैसे कम है तो कार्बन क्रेडिट अपने बेच दो, ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया गया है। रिच कंट्रीज और कंपनी फाइनेंस काउंटर पार्ट्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एंड कार्बन ऑफसेटिंग इन मेजर्स एंड गेन ट्रेडेबल क्रेडिट्स। तो ये वही बात कह रहा है कि भाई जिसको दिखाया गया प्रॉब्लम जो फाइनेंस का, रिच कंट्री जो है ना और कंपनी जो है फाइनेंस करेंगी, पैसा देंगी काउंटर पार्ट्स जो अपोजिट में रहेंगे इन डेवलपिंग वर्ल्ड में, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं, या कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, कार्बन को कम करते हैं, मेजर तरीके लेते हैं, ग्रेन और गेन करते हैं, ट्रेडेबल क्रेडिट्स उनको, जिनको व्यापार किया जाता है, से क्रेडिट मिलेंगे। हाउएवर स्पेसिफाइंग द रूल्स ऑन हाउ दिस इज अकाउंटेड फॉर इज ए वैक्सिंग प्रॉब्लम, वैक्सिंग मतलब चिढ़ाने वाली, कॉम्प्लिकेटेड। तो कह रहे हैं हालांकि जो स्पेसिफाई करना है ना, मेंशन करना कि कैसे इस चीज को अकाउंट किया जाएगा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। हॉलमार्क मतलब प्योरिटी किसी चीज का हॉलमार्क, जैसे सोने पे हॉलमार्क आता है, ऑफ द क्लाइमेट नेगोशिएशन इज दैट दे आर अरिनाज ऑफ ग्लैडिटेरियल लीगलीज वेयर द स्टेटेड गोल ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन सीम्स टू बी स्ट्रेच फर्दर बियॉन्ड रीच। तो उन्होंने कहा कि क्लाइमेट के जो नेगोशिएशन मोल भाव चलेंगे ना आपस में, इज दैट दे आर अरिना, अरिना मतलब ये तो है जैसे रेसलिंग अरिना होता है या बॉक्सिंग अरिना होता है, मतलब एक एरिया है, द अरिना है ग्लैडिटेरियल लीगलीज, मतलब ये बहुत सारे जो लीगलिटी का सिस्टम है, वेयर दे स्टेटेड गोल, जो स्टेटेड मतलब बताए हुए गोल हैं, जो टारगेट हैं ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन सीम्स टू हैव स्ट्रेच फर्दर बियॉन्ड रीच। तो ये मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो टारगेट बनाए गए ना उससे ज़्यादा बियॉन्ड रीच, आदमियों की पहुंच से दूर है जो टारगेट बनाए गए हैं। इट टाइम, यह समय आ गया कि दैट कंक्रीट एक्शन टेक्स सेंटर स्टेज। तो अभी बातों से हटके थोड़ा सा इस
सेंटर स्टेज ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि इनको एक्शन में लेके आना है और काम में लेना है, तभी टारगेट अचीव किया जा सकता है, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ेगी और उससे बहुत सारे कंट्रीज को या गरीब जो पुअर कंट्री है उनको ये चीज़ें सहन करनी होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।